जी लीजिए आप पकड़िए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। वैसे जितना मैं काला दिख रहा हूँ उतना काला मैं हूँ नहीं रियल में, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ अलग है, इतने काले हम हैं नहीं। मीमांसा DRER पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके सर फिजिक्स के लिए जो है फिजिक्स की हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे और बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा हम लोगों ने क्या किया कवर कर लिया है मीमांसा DRER के प्लेटफॉर्म पे और नीट जी फिजिक्स बाई इनके सर के दोनों यूट्यूब चैनल पे आपके जितने भी बेसिक्स फिजिक्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो पड़े हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आप वहाँ देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने दो टेस्ट किया, दो टेस्ट में से पहला टेस्ट जो हम लोगों ने किया था उसका सोल्यूशन नहीं वहाँ पे है, लेकिन जो दूसरा टेस्ट है इस दूसरे टेस्ट को, ठीक है, आपके स्लाइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो दूसरा टेस्ट जो है उसका मैं आज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो भी बच्चे यहाँ पे बैठ के पेपर दिए थे उसको जो है कॉपियाँ चेक हो गई हैं। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं और ये बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स चाहे ये सबके लिए यूजफुल है, अगर कोई बच्चा क्लास 11th में है तो उसके लिए भी यूजफुल है, अगर कोई बच्चा क्लास 12th में भी है तो उसके लिए भी यूजफुल है, अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल है, अगर कोई बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है तो उसको ये सब आता है, ठीक है। जैसा मैंने एक मीम दिखाया था जहाँ पे नीट की या क्लास 11th 12th के जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे JEE वाले ख़त्म करके वो छोड़ के निकलते हैं, उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि एक घंटे में हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है कि मीमांसा DRER के लिए जो हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया था टेस्ट हो गया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। पहला क्वेश्चन था कि fx इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था f ऑफ x इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था 4x² माइनस 2x² प्लस 5x। तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना था f डैश x का मतलब तुम्हें क्या फाइंड करना था, डिफरेंशिएशन। तो f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करते किससे, d/dx से, और ये होता 4x² माइनस, ठीक है, ये 4x क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x। जब इसका हम लोग बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हर एक पार्ट में करेंगे तो d/dx और ये 4x³ माइनस d/dx और ये आएगा 2x² प्लस d/dx और ये आएगा आपका 5x। फार्मूला ये बताइए कि मैंने आपको ये बताया था कि d/dx x का पावर n इज इक्वल टू होता है n x का पावर n माइनस 1, एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, और दूसरा इसी कांस्टेंट के साथ जो हमने किया था d/dx k x का पावर n, तो k कांस्टेंट को हमने पहले बाहर किया था और यहाँ पे आएगा x का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा n। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था कि दो फार्मूले को हम लोग देखे थे, ठीक है। इन दोनों फार्मूले से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है, चाहे वो आपका नीट हो, ठीक है, चाहे वो आपकी 11th हो चाहे 12th हो, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में लगते हैं। इसीलिए फिजिक्स को किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोला जाता है। पहले आप राजा को, तो ठीक है, पहले उसके बाद मैथमेटिक्स को रानी, तो पहले आप रानी से कुछ सीखो उसके बाद राजा के पास पहुँचना। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है, अभी आ जाएगा d/dx x³, ठीक है, यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे और d/dx यहाँ पे x² और प्लस यहाँ से 5 का मान ले लेंगे d/dx इंटू क्या हो जाएगा x। इतना लंबा ये क्वेश्चन है नहीं, बट इसको हम थोड़ा बेसिक से डिटेल में समझाते हुए चल रहे। तो यहाँ आएगा 4, अब d/dx x ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगा कम, तो क्या बचेगा 2 बचेगा पावर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये प्लस 5 और d/dx इंटू x क्या होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे 4 × 3 = 12, तो 12x² माइनस 2 × 4x और प्लस 5, ये देखेंगे कि ये जो आंसर है ये आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो 12x² माइनस 5x प्लस 5 प्लस 5 ये जो ऑप्शन है हमारा 12x² माइनस 4x प्लस 5 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये जो हमारा था यही हमारा पहला आंसर था, ठीक, ये आई थिंक हमें लगता है कि ये सबका क्वेश्चन क्या था सही था, ठीक। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
जी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज जी डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। इसको लगाने के लिए आपके पास दो तरीका है, अगर हम जी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे वन अपॉन एक्स तो एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर माइनस वन, एक तो तरीका ये है। जब जी डैश एक्स का मतलब निकालेंगे, जी डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स और एक्स का पावर माइनस वन बनेगा, ठीक है। एक्स का पावर माइनस वन का मतलब है माइनस आगे आएगा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर माइनस वन, और ऑलरेडी माइनस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर माइनस टू। जब पावर को हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वन बाई कितना आ जाएगा माइनस एक्स, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही था, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही था? ऑप्शन नंबर ई। ये आपका था पहला तरीका बेटा, पहले तरीके से इसमें हम इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें क्या किए थे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, फर्स्ट तरीका। लेकिन इसी में जब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है g इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या लगा सकते हैं u y v, इसको पहला फंक्शन इसको क्या दूसरा फंक्शन मार के लगा सकते कि नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पहले फंक्शन को छोड़ेंगे तो x को छोड़ देंगे, ठीक है, दूसरे को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई डी एक्स इंटू क्या करेंगे वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस साइन होता है, ठीक है, उसके बाद वन को छोड़ेंगे और डी वाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे सबको पता है कि ये हो जाएगा एक्स, और डी वाई डी एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स है और यहाँ पे क्या है वन है, ठीक है। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता, कोई ना कोई वैल्यू आती, लेकिन हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या है वन है, तो कांस्टेंट के साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी जीरो, माइनस वन डी वाई डी एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा वन, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जीरो का वन में जीरो का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और वन इंटू वन, तो कुल मिला के वन अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चाहे इस तरीके से लगाते और चाहे इस तरीके से लगाते, दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या था आंसर सेफ था, समझ में आया कि नहीं आया। दोनों तरीके हमने बताए और दोनों तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन यही इसी स्लाइड में हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था दो था। जब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थ्री बताओ, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं लिखा हुआ कॉस ए इज इक्वल टू, लिखा हुआ है कॉस, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, कॉस ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है टू बाई थ्री, तो आपसे क्या पूछ रहा है टैन ए की वैल्यू बताओ, क्या बताओ टैन ए की वैल्यू बताओ, टैन ए की वैल्यू। कितना बार मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो आप ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका 90 डिग्री बनेगा और ये आपका जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। बताओ कॉस ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब है बेस कितना है दो है और हाइपोटेनियस कितना है तीन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे, जैसे ही पाइथागोरस लगाएंगे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है, ट्रिपलेट लगाएंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब कितना तीन का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, थ्री का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तुम्हें पता नहीं परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस कितना है दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितना आ जाएगा नौ और यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और दो का स्क्वायर कितना आएगा चार, नौ में से चार जाएगा कितना आएगा पाँच, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आएगा पाँच, तो परपेंडिकुलर कितना निकल के आ जाएगा अंडर रूट पाँच, परपेंडिकुलर जो आपको निकल के आया कितना आया, ये आपका निकल के आया अंडर रूट फाइव निकल गया। अब अगर आपको टैन फाइंड करना है, अगर आपको क्या फाइंड करना है टैन फाइंड करना है, तो टैन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सबको पता है टैन ए इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट फाइव और बेस कितना है दो, तो आपका जो ऑप्शन सही था अंडर रूट फाइव बाई टू का मतलब है दूसरा आपका ऑप्शन सही होगा अंडर रूट फाइव बाई टू, ठीक है, क्या होगा अंडर रूट फाइव बाई टू, इसमें आपका आंसर जो सही था क्या था आंसर ऑप्शन नंबर ए और इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर क्या है डी ए, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। देखो
तीन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चार की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि साइन 30 डिग्री ठीक है प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ा रहे थे तो साइन 0 डिग्री से लेके साइन 180 डिग्री तक वैल्यू हमने बताई थी, कॉस 0 डिग्री से लेके कॉस 180 डिग्री तक वैल्यू बताई थी, टैन 0 डिग्री से लेके टैन 180 डिग्री तक वैल्यू बताई थी कि नहीं बताई थी, ठीक है उसके वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इस साइन कॉस टैन के साथ जो है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स होते हैं जो रिवर्स होते हैं ठीक है उसको भी मैंने सारी की सारी वैल्यू बताई थी। सो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना आ जाएगा 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितना हो जाएगी 1/2, क्या किया प्लस लग प्लस है उसमें वो गलत होगा तो साइन ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग अगर ऑप्शन लगाते तो सही हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब जब दोनों का डिनोमीटर सेम होता तो डिनोमीटर मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, ऊपर क्या कर लिया 1+1, नीचे क्या कर लिया प्लस, यहाँ पे दोनों का डिनोमीटर सही है सेम है तो क्या कर लिया कॉमन ले लिया √3+√3 ठीक है। तो यहाँ पे 1+1 कितना आएगा 2/2 और प्लस √3+√3 आएगा 2√3/2। फिर 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा ऊपर बचा यहाँ 1, ये जो 1+√3 था ये 1+√3 ये आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या था ऑप्शन नंबर आपका सी था, 1+√3 ऑप्शन नंबर क्या था सी था, क्लियर है ठीक है सबको दिखाई दे रहा है क्लियर है ना, 1+√3 ऑप्शन नंबर क्या चौथे का सी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द 3 sin theta + 2 cos theta / 3 sin theta - 2 cos theta। समझ में है, तो यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है यहाँ पे तुम्हारी कुछ वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस स्लाइड पे कर लेते हैं इस स्लाइड ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे और 5 में कह रहा है tan थीटा की वैल्यू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे आपसे कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ, तो tan थीटा इज इक्वल टू जो 4/3 दिया हुआ तो यहां पे क्या करेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और जैसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाए राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए यहां पे हमने क्या किया इसको अगर हम लोगों ने थीटा कर लिया ये ए है ये बी है और ये सी, सबको पता है कि tan थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और ये कितना है 3, ट्रिपलेट निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 5, नहीं अगर पता है तो यहाँ पे लिखेंगे h² = p² + क्या लिखेंगे b² ये तो करेंगे। हाइपोटेनियस निकालने के लिए h² = p² परपेंडिकुलर कितना था 4, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो h = कितना आ जाएगा √25 कितना आ जाएगा h = कितना आ जाएगा √25 और √25 जो निकल के आ जाएगा कितना निकल के आएगा 5 निकल गया। तो √5 यहाँ पे हमने निकाल लिया हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 3 sin थीटा कह रहा 3 sin थीटा क्या हो गया इसका भी तबीयत खराब हो ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 sin थीटा + 2 cos theta / 3 sin थीटा - 2 cos theta यही जवाब आपसे कह रहा है। जब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो लिखेंगे 3 और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस का मतलब हो जाएगा ये 4/ कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस और ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 ठीक है। जब ये आपका कितना हो गया 2 तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या लिखेंगे कहाँ जा रहा भाई कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा 2/ कितना हो जाएगा 3/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूरा का लगाएंगे नीचे डिवाइड का साइन
यही चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे 3 into और यहाँ पे लिखेंगे 4/5 और बस प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 3y कितना हो जाएगा 5। इसमें कौन सी आफत है, सबका गलत हो गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, 4 × 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 12/5 माइनस 2 × 6 कितना 5 और पूरा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12/5 और ये प्लस था और ये क्या माइनस, तो ये हो जाएगा 6/5। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे क्या होगा 5 और यहाँ 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 और डिवाइड फिर करेंगे बड़ा वाला, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 - 6 कितना आएगा 6 और यहाँ पे लिखेंगे 5। देखो इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा 18/6 6 × 6 6 3 18 आंसर कितना 3। आंसर आपका कितना आ रहा है 3, तो आंसर 3 का मतलब क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही है तीसरा सही, आंसर कितना सही है आपका तीसरा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं इवेलुएट log 25 base 5, ठीक है, log 25 base 25। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में आते हैं 6 में, ठीक है। अब यहाँ पे इतने गधे गधे महारथी हैं कि इसको नहीं लगा पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम लोग आते हैं तो ये आपका क्या है log 25 और बेस क्या है 5, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना था, इसको आप सीधे लिखते log 25 को क्या लिख सकते थे 5 का स्क्वायर और बेस 5, यही तो लगा सकते थे, 5 का स्क्वायर 25 होता। तो सबको पता है कि log m का पावर n बेस a इक्वल टू क्या होता था n log m बेस a, यही तो फार्मूला हमने बताया था, बताओ यही फार्मूला तो हमने बताया था। जब ये फार्मूला हमने बताया था तो इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कितना 2 log 5 और कितना आएगा बेस 5, और जिसका log और बेस दोनों सेम हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 2 × 1 = कितना 2, आंसर कितना 2, आंसर कितना 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ रहा ना सभी लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है इवेल्युएट करना log 8 base 2 log 4 base 2, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग लगाते हैं और 7 को लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है log, हाँ log 8 base 2 प्लस log 4 base 2। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 8 को 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 3, 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 ही होता है, ठीक है। और बेस क्या लिखेंगे 2 और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और बेस कितना 2, फिर बताओ यही फार्मूला बना कि नहीं बना। तो यही जब फार्मूला बना तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 log 2 base 2 और ये आ जाएगा 2 log 2 और base 2। बताओ log 2 base 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, log 2 base 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 1 2 × 1, तो कुल मिला के कितना आएगा 3 + 2 = कितना आ जाएगा 5, 3 + 2 = 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 है उस 7 का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है क्लियर है। 7 के बाद हम लोग आते हैं, ठीक है 7 के बाद हम लोग आते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज गिवन टू द 95 cm। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है, उसका सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है सर्किल का 95 cm दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को हम लोग आते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन पे जब हम लोग आते हैं तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो देखो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बढ़िया से लगाते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं तो फाइंड द सर्किल ऑफ द रेडियस हुज सर्कमफेरेंस इज द 95 cm, सर्कमफेरेंस का मतलब कितना दिया हुआ 95 cm दिया हुआ, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस सबको पता है कि हमने बताया था 2πr होता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस आपका दिया हुआ है 95 = 2 और पाई की वैल्यू दिया हुआ 3.14 × कितना हो जाएगा रेडियस, r = इसको कैलकुलेट करेंगे तो 95
डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, ये 15.13 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 15.13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15.13 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस था। ठीक है, 15.127 करके आएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब हम लेंगे वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेशन में हमारा 15.13 है। इतना आसान क्वेश्चन, सबसे फार्मूला पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, कि क्वेश्चन नंबर 9 में फार्मूला ही पूछ लिया गया था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट रेगुलर सिलेंडर। मतलब रेगुलर सिलेंडर का तुमसे क्या पूछ लिया गया था, CSA पूछ लिया था, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब आपसे CSA कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया गया था तो सबको पता क्या होता है, 2πRH होता है। ठीक है, 2πRH होता है। और यहाँ दसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस इज गिवन टू द 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज द 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आओ सॉल्व करते हैं और 10 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो था वो क्या था, उसका CSA का सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πRH होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में जब हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज बेस, मतलब ट्राइंगल का जो बेस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, वो 7 दिया हुआ है, लेकिन जो ट्राइंगल की हाइट दी हुई है कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 और ये होता है बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और बेस कितना होता है 8 और हाइट कितना होगा 7, तो 2 यहाँ कितना आएगा 4 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो हमारा आंसर सही होगा, यहाँ पे जो आंसर सही होगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेगा। ठीक है, क्लियर। व्हाट इज 1004 डिवाइड बाई 2, जब 1004 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 502 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 106 मल्टीप्लाइड बाई 104 माइनस 94। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत ही आसान था। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं लगा पाए और लगाए भी जो है वो बहुत मल्टीप्लाई करके, तो क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे। अगर इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए मैंने क्या बताया था आपसे, देखो माइंड, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए क्या लिख सकते हैं, 106 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 94 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताओ ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और होता है ए प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 106 माइनस 94 और मल्टीप्लाइड में 106 और प्लस कितना आ जाएगा, 94। बताओ 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा कितना आएगा बताओ, अरे 16 में से 4 जाएगा, चलो ऐसे कर लो, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, ऐसे कर लो 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 2 और यहाँ पे कितना, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 12 आया, 106 में 94 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 200 कितना आएगा, 200, तो 12 दुना कितना हो जाएगा, 2400 कितना हो जाएगा, 2400। तो कुछ ऐसे महारती हैं जो इसको भी नहीं कर पाए थे, कुछ ऐसे महारती हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। इस पर लिखा हुआ इवेल्यूएशन 8 का पावर 3। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बेस आपका 8 है, तो ठीक है 8 का पावर 3, 8 का पावर 2, 8 का पावर 5, बताओ 2 पावर क्या है आपका, प्लस में है। ठीक है, तो 8 का पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और -5, तो 8 के पावर में से +5 और 8 के पावर में से माइनस पार्ट जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8 का पावर 0। तो हमने बताया था किसी का भी पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और जितने लोग गधे हैं वो सारे के सारे गधे निकले, किसी का भी इसका आंसर नहीं सही था, किसी का भी नहीं, कोई 8 लगा के बैठा, कोई 0 लगा के बैठा, कोई नन ऑफ दीज लगा के बैठा, मतलब 3 ऑप्शन तो लगाए लेकिन पहला ऑप्शन किसी ने नहीं लगाया। ठीक है, तो सबसे शर्म की बात है कि तुम लोग इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 उसके बाद 13 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या आते हैं, 14 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 14 हम लोग आते हैं तो 14 में यहाँ पे आपका डी की वैल्यू दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है।
ठीक है, डी की वैल्यू माइनस फोर दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं एन की वैल्यू सेवन दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, सेवन दिया हुआ, फोर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, फोर दिया। आपसे पूछ रहा है कि ए पी का जो है ए फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए। हम आपको बताए थे कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है, चार, तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे चार और ए की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे सात है तो सात माइनस एक कितना आएगा, छः, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, माइनस चार, तो ये आ जाएगा माइनस चार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चार और ए और यहाँ पे छः चौक चौबीस, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर इधर आएगा तो चौबीस और चार कितना हो जाएगा, अट्ठाईस, तो ए की वैल्यू कितने आ जाएगा, 28। कितने लोग का ये सही था, क्योंकि ये भी बहुत लोगों ने क्या किया है, गलत किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। टुक्का तो नहीं लगाए थे तुम लोग, टुक्के लगाए थे। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 3x² - 2x - 5। तो यहाँ पे जीरोज फाइंड करने के लिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। अब बहुत लोग इसको भी नहीं लगा पाए, फैक्टरी नहीं बना पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा हुआ 3x² - 2x - 5, ठीक है। अब इसको जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल टू क्या करेंगे, जीरोज। अब इसका अगर फैक्टर करते तो पाँच दिया कितना आता है, 15, और पाँच में से अगर तीन माइनस करते तो दो ही तो आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x² - 5x और प्लस का 3x, माइनस के 5x में से प्लस का 3x माइनस कर देते तो कितना आ जाता, माइनस का 2x आ जाता, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन क्या ले लिया, x ले लिया, तो यह आएगा 3x - 5। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन क्या ले लिया, 1, तो यह आ जाएगा 3x - 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन क्या सेम है, तो लिखेंगे 3x - 5 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 5 इज इक्वल टू कितना, जीरो, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3। x की एक वैल्यू कितनी आई, 5/3, लेकिन यहीं पे x की दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस। तो x के मतलब यहाँ पे जो रूट्स आए या जीरोज आए कितने आए, एक आया 5/3, दूसरा क्या आया, -1, ठीक है। तो बताओ किसमें, 5/3 प्लस का और -1, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, ए सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, ए सही, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो आता है 16 नंबर, 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का एक सीरीज दिया हुआ है 2, 7, 12 डैश 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 करके दिया हुआ, तो कह रहा है आपका 10वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां टर्म निकालने के लिए एपी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यहाँ पे देखो 16, यहाँ पे एपी की एक सीरीज दी हुई है, लिखा हुआ है 2, 7, 12 डैश डॉट 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 डॉट, आपका कह रहा है कि यहाँ पे 10th टर्म इसका बताओ, क्या बताओ, 10th टर्म बताओ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू कितना दे दिया, 10, d की वैल्यू आपको कितना पता है कि t2 माइनस क्या लिखेंगे, t1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर देंगे। तो बताओ अगर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, d आएगा। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको पता है कितना है, 2 है, तो फार्मूला फिर लगा देंगे, वही कौन सा फार्मूला, फार्मूला आपका क्या होता है, a10 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, d, क्योंकि आपका 10वां टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ पे n माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना आएगा, 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 5 45, 45 और 2 कितना आ जाएगा, 47, इसका मतलब जो आपका 10वां टर्म होगा कितना होगा, 47। तो 10th टर्म आपका कितना आ जाएगा, 47, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोसेक ए अपॉन सेक ए की वैल्यू बताओ, तो कोसेक ए अपॉन सेक ए की वैल्यू बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कोसेक ए अपॉन सेक ए बराबर क्या होगा, तो बताओ कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। जब इसको हम लोग पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा
कॉस ए अपॉन वन। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा कॉस ए बटे क्या आ जाएगा साइन, और कॉस ए बटे साइन का मतलब क्या होता है, ये कॉट ए होता है। ठीक है, तो इसको भी बहुत लोग नहीं लगा पाए थे, क्या होता है कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका क्या था बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी। ठीक, 17 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन चल रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है इसलिए है क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका, आपकी भैंस पानी में डूब रही है, आप एक गिलास में डूब रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलें। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग चलते हैं तो इतने क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, अगली स्लाइड जो हमारी आती है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन रियल में थोड़ा अच्छा था, ठीक है, दिमाग वाले बच्चे ही लगा सकते थे जिसके पास क्या था, लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन आई थिंक किसी का भी नहीं सही था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि ये बताइए, ठीक है, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते थीम इसका, ठीक, चलो यही कर लेते। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये बोल रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि tan a इज इक्वल टू cot लिखा हुआ है, tan a इज इक्वल टू cot 30 प्लस a, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एंगल a की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछ रहा है एंगल a की वैल्यू को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस tan a को लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot 30 प्लस a। बोलो कैसे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अभी मारेंगे पेन फेंक के दिमाग सही हो जाएगा सबके सब, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस को क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, कॉट से कॉट गया कट, तो यहां बचेगा 90 माइनस ए बराबर 30 प्लस ए, हैं? ये इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस ए कितना होगा 2a, तो 2a बराबर कितना होगा 90 में से 30 जाएगा बचेगा 60, तो a बराबर कितना आएगा 60/2 बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। जिसने पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगाया उसी का सही है, बाकी सब का सब क्या है बेकार, सब के सब क्या है बेकार। बहुत लोग कह रहे थे क्वेश्चन नंबर जो है 19 गलत है, लेकिन 19 गलत नहीं था। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 74.6 माइनस 38.9 माइनस 5.7 डिवाइड बाई 26.4 माइनस 1.18.8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं और 19 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 19 क्वेश्चन को देखते हैं और 19 क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 74.6 माइनस 38.9 अगेन माइनस 5.7 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन लगाएंगे और उसके बाद आपसे पूछ रहा है 26.4 माइनस 18.9 इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये पेन दिख नहीं रहा था इसको चेंज कर लेते, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। आप पहले ये बताइए माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 74.6, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 38 है तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो 16 अगर आया तो यहाँ पे क्या लिखा 6 लिखा, पॉइंट लगा दिया, बताओ 5 और 1 हासिल कितना आया 6 और 38 कितना होगा, 38 और 6 कितना होगा 38 और 2 40 और 40 और 4 कितना होगा 44, तो 44.6 आया, मतलब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 9 जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 4 माइनस 9 नहीं होगा तो 14 माइनस 9 तो कितना 14 माइनस 9 कितना जाएगा 5, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे बचा 26 तो 26 माइनस यहाँ पे कितना आएगा यहाँ 25 माइनस 18 कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 6 में से 6 जाएगा कितना आएगा 0, 74 में से 44 जाएगा कितना आएगा
30 ही तो आएगा, तो 30.0 ये आएगा 7.5। अब ये कुल मिला के आ जाएगा 30 बटे कितना आ जाएगा 7.5। या तो इसका पॉइंट हटा दो और ऊपर जीरो बढ़ा दो, तो कुल मिला के आ जाएगा 300 बटे कितना आ जाएगा 75। 15 से काटेंगे, 15 तीन 75 और 15 दुना 30 है, 15 तीन 75 कह रहे हैं यार, हमारा भी दिमाग लगता खसक गया। 15 जा 15 पचे 75 है, 5 आएगा और 15 दुना 30 ऊपर आया 20, तो 20 बटे 5 का मतलब 5 सेकेंड में 5 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या था? डी। किसी ने नहीं लगा पा, सबके सब बोल रहे थे सर गलत है गलत है गलत है, हैं सही था। अच्छा चलो कम से कम कुछ तो सही हुआ। ठीक है अभी अपने पास टाइम है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर जो 21 था, अच्छा ये 20 उससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद यहीं पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, 19.399 प्लस 10.33 प्लस 7.82 और प्लस 3.111 इसका पूछा था, क्वेश्चन मार्क लगा के आंसर लिखता हूँ। वन में यहाँ पे देखो वन यहाँ पे कितने डिजिट, दो डिजिट, यहाँ पे तीन डिजिट, यहाँ पे दो डिजिट, यहाँ पे कितने तीन डिजिट। ठीक है तो तीन डिजिट वाले को पहले तीन डिजिट वाले के साथ जुड़ेंगे, तो एक में नौ जोड़ेंगे कितना आएगा 10 0, फिर यहाँ पे कितना एक और एक और दो कितना आएगा तीन, और तीन और तीन कितना आएगा छः, छः नौ कितना आएगा 15, और एक हासिल बचा था 16 आ गया, फिर एक हासिल बच गया, फिर यहाँ पे एक हासिल और एक कितना होगा दो, दो आठ कितना होगा 10, 10 और यहाँ पे कितना होगा 3 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। देखो किसमें डबल सिक्स था, अच्छा चलो ठीक है दो ऑप्शन में था कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना आएगा 16 कि 6, 3 और 1 4, 4 और 7 कितना होगा 11 और 11 10 कितना होगा बताओ, 11 10 21, 21 और 19 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40.660 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जब 21 की तरफ हम लोग नज़र उठाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.003। मैं ऐसे क्वेश्चन को आपसे इसलिए बोला हूँ कि कुछ ना किया करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, दशमलव भूल जाओ, तीन का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, तीन तीन का तीन में करेंगे, कुल मिला के 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे तीन डिजिट बार दशमलव, यहाँ पे दो डिजिट कितना हो गया 5 और यहाँ पे एक कितना 6, तो 6 डिजिट बार तुमको दशमलव लगाना। एक डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है कितना जीरो बढ़ाएंगे 5, 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये हो गया आंसर 0.000009 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है इसको भी गलत कर दिया, तुम भी गलत किए हो, कहाँ सही है, सही है। अब यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन क्या था थोड़ा गलत था और इस क्वेश्चन को मैंने कहा था यहाँ पे क्यूब रूट क्या कर लेना 6 और यहाँ पे अंडर रूट 2 कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे ही हम लोग 22 पे आते हैं, 22 वाला क्वेश्चन अगर 36 का पावर क्या लिखा हुआ 1/6 क्या लिखा हुआ, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर का पावर कितना 1/6, समझ में आया कि नहीं है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का पावर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 6 का पावर 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट 6 और क्यूब रूट 6 का मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही था डी सही था, यहाँ पे तो ऑप्शन में दिक्कत हो गया। ठीक है 22 के बाद जैसे हम लोग क्या आते हैं 23 पे आते हैं और 23 पे आते हैं यहाँ पे इसको बहुत लोग गलत कर दिए थे 0.4 का स्क्वायर और प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 0.16 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 0.04, 16 में 4 अगर ऐड कर देते तो कितना आ जाता 0.20 20 आएगा। ठीक है बराबर क्या था अंडर रूट में, इस बराबर क्या था ये क्वेश्चन मार्क में स्क्वायर रूट। ठीक है अगर इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो इधर का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कुल मिला के इसका आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ठीक है कितना आ जाएगा 400, तो 400 का मतलब क्या है यहाँ पे लिखेंगे 400 यही तो, अब यहाँ पे दो डिजिट और तो कुल मिला के कितना डिजिट बार दशमलव लगेगा 4 डिजिट बार लगेगा, तो तीन डिजिट तो यहाँ पे है, ये तो एक डिजिट लगाने के लिए क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे ना लिख, तो 0.04 पहला ही ऑप्शन था। ठीक है
यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, यहाँ पे लिखा हुआ 5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 5%, परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, फिर ऑफ लिखा है फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 5%, फिर लिखा हुआ फिर क्या करेंगे 100 करेंगे, फिर यहाँ पे रुपीज़ कितना लिखा हुआ ऑफ लग के फिर मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 100, तो फिर कितना करते थे 100 कर देते, ये 100 से ये 100 कट गया, तो 55 25, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ जाता है 25/100। 25/100 का मतलब कितना है, कितने जीरो, 2 जीरो, तो कितने डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा 0.25, ठीक है 0.25 ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम फार्मूला ही था, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का मतलब इंटीग्रेशन 1 into dx। जब मैंने यहाँ पे बताया था अगर 1 होगा तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y प्लस क्या आ जाता है 1 आता, z के रेस्पेक्ट में करते तो z प्लस 1 आ जाता, ऑप्शन नंबर इसका क्या था 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो DPP 2 थी, ठीक है, टेस्ट नंबर हमारा जो 2 था, टेस्ट नंबर 2 के हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन देखा। इसमें से अगर किसी को वीडियो देखने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मीमांसा DRAR को फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।